नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नेस्ट में। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 40 खेला गया सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। इस मुकाबले को खेला गया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के खत्म होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने हार का एक्चुअल कारण बता दिया। हार का कारण बताते हुए उन्होंने पर्टिकुलरली किसी को जिम्मेदार ठहराया है। अब किसे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने हार का जिम्मेदार ठहराया, जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दरअसल आईपीएल 2023 मैच नंबर 40 दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले से पहले भी एक दूसरे से ही खेल कर आ रही थी, लेकिन तब वो मुकाबला खेला गया था हैदराबाद के घर में और इस बार दिल्ली के घर में ये मुकाबला खेला गया था। और इस मुकाबले में उम्मीद थी कि सनराइजर्स हैदराबाद बदला लेगी और वही हुआ। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को उम्मीद थी कि जीत की हैट्रिक लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 197 रन बना दिए। सनराइजर्स हैदराबाद के 198 रनों के दिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआत में ही झटके लगे। 0 रनों पर ही डेविड वार्नर आउट हो गए। उसके बाद दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई और ऐसा लगा कि यह मैच जो है दिल्ली कैपिटल्स की झोली में आ गई। लेकिन उसके बाद एक एक करके विकेट्स गिरते चले गए और दिल्ली कैपिटल्स अंत में 188 रन ही बना पाई और 9 विकेट से मैच को गवा दिया। इस मैच के खत्म होने के बाद डेविड वार्नर से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान जब पूछा गया कि क्या गलती हो गई, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन जब बीच बीच में विकेट्स गिरते चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप मुकाबला नहीं जीत पाओगे। डेविड वार्नर ने हार का कारण बताया है जो मिडल, जो बीच के ओवरों में या फिर जो दूसरा विकेट गिरने के बाद जो बैक टू बैक विकेट्स गिरते चले गए, जो पार्टनरशिप्स नहीं बन पाई दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, वो हार का एक्चुअल कारण। डेविड वार्नर ने क्या बयान दिया मैच खत्म होने के बाद, हार का कारण क्या बताया, सबसे पहले वो कारण जान लीजिए। डेविड वार्नर ने कहा, ये अच्छी पिच है और 9 रन से हार को पचाना मुश्किल है। हम लक्ष्य से थोड़ा दूर रह गए। हमने गेंद से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मार्श ने कमाल की गेंदबाजी की। जब आपके दो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो उस लय को बनाए रखना जरूरी होता है। ये भी जरूरी होता है कि उसमें से कोई एक आखिरी तक पारी को ले जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैच हमारी मुट्ठी में होता। जब आप बीच के ओवरों में लगातार विकेट गवाते हैं और साझेदारी नहीं कर पाते हैं तो चीजें मुश्किल होती है। तो डेविड वार्नर ने हार का कारण बताते हुए कहा कि बीच के ओवर में जो विकेट्स गिरे वो एक्चुअल में हार का असल कारण है। तो क्या आप डेविड वार्नर के इस बयान से सहमत है? क्या आपको भी लगता है डेविड वार्नर ने जो कहा है वही दिल्ली कैपिटल्स की हार का असली कारण है, या फिर कुछ और वजहों से दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।